निर्मले साधुआं नाल जा रहे सी अमरनाथ। बहुत पुरानी गल, गालवन में 40 साल का अंदाजा हो गया। रस्ते च पिस्सू घाटी आंदी, मैं अबूर कीती चढ़े ते शेषनाग तक पहुंचे। एक पेंडा कोई 22 मील दा सी ते थक के चोर हो गए। रात उत्थे कटनी सी पर रात नींद ना आवे, ठंड बड़ी भयंकर ठंड। कश्मीर गवर्नमेंट ने सिर्फ खेमे बनाए हुए सन राइयां वास्ते, किराए ते मिलदे सन तंबू। तंबू विच नींद ना आवे, ठंड, पावे कपड़े सारे मैं गर्म पाए। दो दो स्वेटरां पाईयां, उपर दो दो कंबल, पर ठंड आखे मैं 16 फुट दी बुलंदी, चारों पासे बर्फ ही बर्फ। सवेरे संत मथुरा सिंह जी अजे भी हैं बुजुर्ग, इत्थे सत्तो वाले गली च बाबा मीर सिंह ना डेरे च काफी दिन रहे ने, चले गए ने। ओ मेरे तंबू चाहे कहने के ज्ञानी जी जागे, मैं कह सुते ही कदों, जाग के ते सारी रात कटी, इन्ना ठंड, मैनु नींद नहीं आई, इन्नी ठंड, भयंकर ठंड। उन्होंने अपना हाथ सिर ते मारे, कहने दसिया क्यों नहीं मैं। मैं कहूं मैनू ते नींद आ नहीं रही ते मैं बाकियां दी नींद क्यों खराब करा। बैठ के कटी है रात, सौंदा सी ठंड लगती सी, बैठदा सी ठंड लगती सी, बाहर निकलण दी हिम्मत नहीं, सीत लहर। और सवेरे सवेरे ठंड करके हाथ भी ना खुलन, उंगलियां ही नहीं खुलदियां सन। हालात ए सन। ओ मैनू कह लगे, 1 घंटा ठहर जाओ, जरा थोड़ा सूरज निकले, मैं थोड़ी समस्या हल कर देना। थोड़ा जिहा चानना होया, उपरों जिहड़े छोटे छोटे झरने आ रहे सन उहदे किनारे किनारे उपर चढ़न लगे। बर्फ का थोड़ा जिहा तौदा एक पासे कीता है, हरी जिया एक बूटी लेके आ गए, सिर्फ 1 पत्ता। मैनू कहन लगे, खा जाओ संत मथुरा सिंह जी निर्मले, ये खा लो। मैं खा लिया, 5 मिनट बाद मैनू पसीना आन लगा ते मैनू कहन लगे, निरा पसीना ही नहीं, 3 दिन भुख भी नहीं लगेगी, आराम नाल जाओ ते आओ। इन्नी गर्म हो चीज, मैं कह हैगी ते हुण मेरे कोल सी सारी रात, मैं औखा रहा, हुण करां की, ज्ञान नहीं सी वे बूटी भी आंदी है। जैसे बिन बैद औखद गुण गो बहुत, भावे औषधि च कितने गुण क्यों ना होन, जड़ी बूटी च वैद नहीं है, स्याणा नहीं है, औषधि दे गुण औषधि च रह जांदे ने, पर वैद ते है। मरीज उसके कोल आया है, वैद तो है, पर उसके कोल औषधि नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है। हुण किवें दूर करे उसका रोग? बूटी के गुण उदों प्रगट होंदे ने जब वैद होवे, वैद की कला उदों प्रगट होंदी है जब जड़ी बूटी होवे, ते दोवें मिलकार जरूर। तीसरा उदाहरण दिता है भाई साहब ने, जैसे बिन बोहत खेवट से ना पार परे, बिन खेवट बोहत कत विसास है। दरिया तो पार होना है, उथे बेड़ी ते पई है दरिया दे कंडे, खेवट कोई नहीं, मलाह कोई नहीं। मलाह ते है, बेड़ी कोई नहीं, तो कल्ला मलाह किवें पार करे? बेड़ी ते है, मलाह नहीं है,
तुमने कली बेड़ी किस तरह पार करे मुसाफिर, मलाह ही नहीं है। मलाह नू बेड़ी चाहिए है, खेवट नू बेड़ी चाहिए, बेड़ी नू खेवट चाहिए है, ता कारज की सिद्धि होंगी, ता मुसाफिर पार होंगे। एक वस्तु नू अपने गुण ते कला प्रगट करने लई दूजे दे सहारे की लोड़ है, और जो चीज किसी का सहारा बनती है उन्हें खुद भी उसका सहारा चाहिए। इंज गुरबाणी कह रही है, एक दूजे के सहारे नाल यह सारी खेड बनती है। इस वास्ते गुरबाणी की बारीक दृष्टि कहती है, ना कोई छोटा है ना कोई वड्डा है, सब एक दूसरे के आश्रित हैं। इन्हों चाणक ऋषि इंज कहा करता सी कि चौबारे दी उपर दी इट अगर ए मजाक करे, जो बुनियाद दी इट है बितों बिल्कुल थल्ले दे, आप आसमान ते शिखर ते हैं। बुनियाद दी इट भी कह सकती है, जे मैं बुनियाद च ना हुआ तेरा शिखर ते होना होने गया, मेरे आसरे ते तू खड़ी है, तेरी महान यकीन जानो, जगत विच महान तो महान, समर्थ तो समर्थ मनुख भी अपनी कला गुण प्रगट करने वास्ते उन्हें दूजे का सहारा चाहिए, उंज नहीं होगा। और जो किसी का सहारा चाहिए उन्हें भी सहारा चाहिए, एक दूजे के सहारे नाल, एक दूजे के आसरे नाल ये सारा ब्रह्मंड चलता। हुण मूल गल, मनुख इस संसार दे अशरफुल मखलूकात है, सब तो वड्डा है। तो नीति ये कहती है, सहारा लब अपने तो वड्डे दा, अपने तो छोटे का नहीं, अपने तो छोटे का सहारा लभेगा उस नाल तेरा मकसद नहीं हल होगा। कहते ने छोटे साधना दे नाल वड्डे काम नहीं आते। कवि रहीम कहते ने, नगारा मड़िया जांदा चमड़े नाल, पर सौ चूयां दी कल भी खल कट्ठी करिए तां भी नहीं मड़िया जा सकदा, उठदी खल चाहिए, चूयां दी खल दे नाल नहीं मड़िया ते जांदा चमड़े नाल, पर सौ चूहे उन्हां दी खल कट्ठी करिए तां भी नहीं मड़िया जाएगा, एक उठदी खल नाल मड़िया जाए। नगारा वड्डा कम साधन वड्डे चाहिए, वड्डा कम सहारे वड्डे चाहिए ने। ऐ मनुख तू अशरफुल मखलूकात है, रूहे जमीन तो सब तो वड्डा है, इस धरती में तेरी सिकदारी। बहादुर शाह जफर भी कहते, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मलिक को देव को जिन को परी को हूरे गिलमा को। मनुख की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, अशरफुल मखलूकात है, इस धरती में तेरी सिकदारी। पर फिर भी मनुख नु आसरा ते चाहिए, सहारा ते चाहिए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, अक्सर ये गलत ते छोटे सहारे लभ लैंदा है, जिहड़े वड्डे काम ने वह धरे दे धरे रह जाते, बिगड़ जाते, नहीं सिरे चढ़ते। ये जिहड़ा उन्होंने उदाहरण दिता है वह ध्यान नाल सुनना, गिरत आकाश ते परत पृथ्वी पर, जो गहे आसरो पवन कमने काज है। बड़ी बुलंदी तो गिर रहा हो कोई,
ਗਿਰਦਿਆਂ ਗਿਰਦਿਆਂ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਵਨ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਵਨ ਕਿਵੇਂ ਆਸਰਾ ਬਣੇ? ਪਵਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਦੂਸਰਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਰਤ ਬੈਸੰਤਰ ਮੈਂ ਧਾਏ ਧਾਏ ਧਰੁਮ ਗਏ, ਨਿਕਸਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਖਲ ਬੁੱਧ ਉਪਰਾਜ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਅਥਾਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਜਰਤ ਬੈਸੰਤਰ ਮੈਂ ਧਾਏ ਧਾਏ ਧਰੁਮ ਗਏ, ਨਿਕਸਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਖਲ ਬੁੱਧ ਉਪਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੂਏ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਵਨ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗਿਰਤ ਆਕਾਸ ਤੇ ਪਰਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ, ਜੋ ਗਹਿ ਆਸਰੋ ਪਵਨ ਕਵਨੇ ਕਾ ਜਾ। ਜਰਤ ਬੈਸੰਤਰ ਮੈਂ ਧਾਏ ਧਾਏ ਧੁਮਰ ਗਏ, ਨਿਕਸਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਖਲ ਬੁੱਧ ਉਪਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਜੋ ਫੇਨ ਗਏ, ਅਨਿਥਾ ਵਿਚਾਰ ਪਾਰ ਜੈਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸਾਜ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਰੇ ਹੋਵੇ, ਗੋਤੇ ਖਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਝੱਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਝੱਗ ਨੂੰ ਪਕੜੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਟਕਰਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੱਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਝੱਗ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਵਨ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਛਾੜ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗਏ, ਪਾਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਮੋਖ ਪਦ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦਾ, ਆਸਰੇ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂੰਏ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜੇ। ਸਭ ਵਿਅਰਥ, ਇਹ ਗਿਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀਏ। ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਦੇਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।